लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिन और कोका कोला टिंग 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 पीकर शराफत बोला, रोज रात को हमने एक नया ढक्कन खोला। कहते हैं कि अच्छी पियो खराब पियो जब भी पियो शराफत अली के साथ शराफत से शराब पियो। राइट प्योर जियो मेरे लाल। एक बात बताओ भाई जिन, मतलब भाई जान, आज जिंदगी में पहली बार जिन पिला रहे हो, चक्कर क्या है? वो क्या है कि वो जो हमारा दोस्त है ना मिस्टर वर्जिन, वो शादी करके वर बन रहा है, इसलिए मैं सबको जिन पिला रहा हूँ। इसलिए पियो जिन एंड से चीयर्स टू मिस्टर वर्जिन। आय हाय हाय, मैं रात भर ना सोया, मैं पकड़ के दिल रोया, बैमान बालमा बैमान बालमा। शराफत भाई, लेकिन हैप्पी भैया बड़े भोले टाइप है और ऊपर से हमारी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई, तो सुहाग रात में क्या करेंगे? करेंगे क्या? खाएंगे, खो जाएंगे, बत्ती बुझाएंगे और सो जाएंगे। अच्छा वैसे शराफत भाई, मैंने जिंदगी में शादियां बहुत देखी हैं, पर ना मतलब बाई चांस कभी कोई सुहागरात देखने का मौका ही नहीं मिला। वैसे ये सुहागरात में करते क्या हैं? करते क्या हैं? वही करते हैं जो हम हर रात यहाँ पर करते हैं। वैसे यार इंडिया जाने का मौका मिलता ना शादी में, भंगड़ा शंगड़ा डालते, खरमस्तियाँ करते, हाँ मजे करते। और काम यहाँ पर कौन करता? आपके अब्बा हजू, अम्मा मियाँ। हजारों पाउंड्स का नुकसान हो जाता रात सवाल पार्टी का। अरे हम यहाँ पर पार्टी मना ही रहे हैं ना। यस हैप्पी भैया, हैप्पी हैप्पी से इंडिया में मना रहे और हम यहाँ मना रहे लंदन में। लेट्स चीयर्स वंस अगेन। चीयर्स। भाभी होगी कैसी? ओए होए पिंड दी कुड़ी खांट दी पुड़ी। होए 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 स्वागत की सेज पर लेट कर शर्मा रही होगी, इठला रही होगी, इतरा रही होगी, बल खा रही होगी, बल खा रही होगी और हैप्पी हैप्पी बोल कर उसको फुला रही होगी। तेरे तो मजे इतने सारे गिफ्ट। सारे मेरे हैं। खोलो खोलो खोलो। ये वाला तू दे, ये बहुत भारी है, ला मुझे दे दे। क्या होगा? दो दो, मैं खोल खोल मैं खोलती हूं। दीदी देखो तो इसमें क्या है। हां हां खोलो खोलो खोलो। हां खोलो। अरे रुको ना, खोलो ना। अरे रुको, इसमें चॉकलेट है क्या? हां पता नहीं, देखो ना। अरे डब्बा तो बड़ा है। गुब्बारे, अरे बाप रे इतने सारे गुब्बारे किसके हैं? अरे तू तो बहुत लकी है। वो तो मैं हूँ। पता क्या करना है? दया शंकर जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए जी, जब तक गौरी का पासपोर्ट और वीजा तैयार नहीं हो जाता तब तक हैप्पी मामा जी के पास रहेगा। क्यों है ना? ये तो आपका बड़प्पन है लक्ष्मी नारायण जी। जाओ बेटा तुम अपनी जीवन की नई यात्रा शुरू करो। तुम्हारी माँ ने मन्नत मांगी है, अब मैं इनके साथ तीर्थ यात्रा शुरू करूंगा। राधे राधे। आप प्रार्थना करके आइए तो मेरा यहाँ कुछ भला होगा। अरे वाह। अरे तुम तो आओ जाने मन। कमाल है। आखिर हैप्पी के जीवन में सुहागरात की वो घड़ी आ ही गई जिसका हैप्पी को बरसों से इंतजार था। ये क्या? मेरा ये सपना था कि आज मैं रूम में आऊंगा, तुम्हारा घूंघट हटाऊंगा, तुम मुझे दूध पिलाओगी, लेकिन दूध का ग्लास तो दूर पड़ा हुआ है और तुम वहां पड़ी हुई हो। हे आज की रात सोने की नहीं कुछ होने की रात है, बल्कि मैं कहूं बहुत कुछ हो जाए उसके बाद सोने की रात है। मामा।
सुनिए सुनिए, क्या है? उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे चिल्लाने दो ना, सुहाग रात है, तुम भी तो चिल्लाई थी मुस्कुरा के, सो जाओ चुपचाप। अरे ये चिल्ला नहीं रही, चिल्ला रहा है। मामा! अरे आप देखते हो या मैं जाऊं? अरे चुप चुप, तुम मत चिल्ला। जाते चिल्लाते हैं। क्या हुआ भांजे? मामा जी, क्या हुआ? गौरी कमरे में नहीं है। हाँ, गौरी कमरे में नहीं है। गौरी कमरे में नहीं तो बाहर होगी। बाहर भी नहीं। बाहर नहीं है तो अंदर होगी। अंदर भी नहीं है। अंदर नहीं है तो ऊपर होगी। ऊपर भी नहीं है। ऊपर नहीं, नीचे, नीचे भी नहीं। आगे होगी। आगे भी नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर कहीं नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर नहीं है तो गई कहाँ मुश्किल आके? अरे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अरे सुनती हो, गौरी गई कहाँ मुश्किल आके? अरे भाई दुल्हन आ गए, चलो चलो डोली उठाओ। कहाँ गए सब लोग? आओ भाई आओ, चलो। कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं बाथरूम क्या चली गई? अरे कहाँ चले गए सब लोग? अरे गौरी, कोई कहीं नहीं गया बेटा, सब अपनी अपनी जगह पर सेट है मुस्कुरा के। चलो घर चलो, सब तुमको ढूंढ रहे। आओ ना बेटा। गौरी तुम कहाँ चली गई थी? दूध। दूध है? फिर से कहो। दूध। दूध है? गौरी मुझे घूंघट उठाने की कोई जल्दी नहीं है, मगर तुम्हारी आवाज सुन के मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है। लेट मी नो हु इज दिस। नहीं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? सुनो, मैंने सुना है कि कोई बहुत खुश होता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारी असली शक्ल में आओ ना। यही मेरी सूरत है। यही तेरी सूरत है? तो फिर तुम मेरी नई औरत है। तो फिर ये शादी शादी नहीं है। तुम मेरी तू नहीं है, मैं तेरा तू नहीं हूं। और ऐसे में सवाल उठता है कि वो कहाँ है? शादी से पहले तो पतली थी, इतनी मोटी कैसे हो गई? सुहागरात हो ही नहीं, ये बच्चे कहाँ से आ गए? हम दहेज में आए, समझे? दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही पाप है। अच्छा पाप है तो तू हम सब बच्चों का बाप है, बेवड़े। मैं बेवड़ा नहीं। समझाइए अपनी लाडली को, रात भर खुद भी गायब रही और हमारे बच्चे भी, ये तो हद हो गई। मैं समझा दूंगा, समझा दूंगा। मेरा कब होगा? हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? इसे तो कुछ अक्कल ही नहीं है। चुप कर, सब मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हैं। दादी इन लोगों की वजह से गई थी मैं। हा? इन्होंने बोला चल चल हमारे साथ चल, शादी में बड़ा मजा आएगा किसी और की शादी में। इसलिए मैं अपनी शादी छोड़ के किसी और की शादी में चली गई। इसमें मेरा क्या कसूर दादी? चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, चुप चुप चुप। आप लोग चलिए, मैं समझा दूंगा इसको। है चलो बच्चों, समझाना उसको तो कोई समझाता नहीं है। सॉरी हां सॉरी, चलिए आप। मेरा कब होगा? क्या कब होगा? वही जो शादी के बाद होना चाहिए। हनीमून? हनीमून को तो पता ही नहीं है, सुहागरात ही हो जाए तो बहुत है। मेरी सुहागरात कब, कहां और कैसे होगी? बेटा
कब और कहां तो मैं बता सकता हूं, लेकिन कैसे, मैं कैसे बता सकता हूं? लड़की का बाप हूं मैं आखिर। तो आपको नहीं पूछ सकता तो दादी से पूछूं? दादी को पूछने का फायदा नहीं, उनकी बहुत साल पहले हुई थी, उन्हें कुछ याद नहीं होगा। तो आपसे नहीं पूछ सकता, दादी से नहीं पूछ सकता, ये तो पूछने के लायक ही नहीं है। तो पूछो तो किसे पूछूं? आप एक काम करो, आप आपके मामा से पूछो। मामा से पूछूं? शांति 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 से काम लो, जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है मुस्कुरा के। गौरी अभी बच्ची है, ना समझ है उसको, क्या समझ कि शादी के बाद क्या होता है, शादी के पहले क्या होता है? अरे समझाना पड़ेगा ना बेटा। मामा पहले मैं ना समझता, अब ये ना समझ है। इस नासमझी में क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं ना, तो समझाना तो आपको ही पड़ेगा ना। गौरी को हम कैसे समझा सकते हैं, उसके घर वाले समझाएंगे ना बेटा। हम तो तुमको बोल सकते हैं, तुम अपने हो। देखो बेटा ये फॉरेन वॉरेन वाली जगह नहीं है, ये अपना गाँव है, प्यारा सा गांव है, छोटा सा गांव है। यहाँ की औरतें लड़कियां पहले तो छूने से मना करती हैं, और जब छूने देती हैं तो पूरा ही दे देती हैं। व्हाट, अपनी मामी को देखो, एक महीने लगे थे टच करने में। एक महीना? That's too much। तो वही तो कह रहे हैं, कोई मच 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 कुछ नहीं, शांति, जज्बात में मत बहो, चुपचाप जाओ शांत सी जगह, वहाँ थोड़ी देर बैठो, पानी को देखो, ठंडी हवा लो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे काम बनाने जा रहा हूँ। जिंदगी जो है वो अंग्रेजी वाली क्या बोलते हैं, एडवा, हाँ समझ आओ, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करेगी, फिर जिंदगी मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे ही मुस्कुराने लगेगी। पागल कहीं का उदास हो जाता है, जब बैठ वहाँ। उदास नहीं हूँ मैं, उदास नहीं हूँ मैं, मैं आ रहा हूँ थोड़ी, सोच रहा हूँ। अच्छा सुनो जी, कोई पूछे तो कहना चतुर मामा का भांजा हूँ मैं जी, ठीक है? आजकल के बच्चे एडजस्टमेंट की स्पेलिंग ही नहीं जानते, हमारी तो जिंदगी एडजस्टमेंट में। Beautiful, isn't it? What? The wild river. Beautiful to look at, dangerous to get in. Right. Why didn't you invite me to your wedding? I couldn't even call my cousins from London. Instant karna tha. Okay. Come home. I've got a gift for you. अरे रुक, मेरे तो फूल ही नहीं, रुक ना, दीदी दीदी भागो, भागो भागो, मैंने कहा किस्मत मेरी, उसने कहा चाहता है क्या है जी, इस पेड़ में सेब ही सेब, इसमें सिर्फ सेफ्टी। अरे पेड़ तो सेब के लगाए थे, लेकिन फसल सेफ्टी की कैसे हो गई? अरे संपा संपा, अरे सुनती हो मुस्कुरा के, गजब का तमाशा देखा मैंने। सुनी तो रही हूँ, कभी कुछ कहा भी है आपने? अरे कह तो रहा हूँ, अब समझ में आया इस साल अपने सेब की फसल में कमी क्यों हुई है। क्यों? अरे हम जो पहले इस्तेमाल करते थे ना उस समय, अब पेड़ इस्तेमाल करने लग गए हैं। क्या इस्तेमाल करने लगे है? सावधानी रहो, बेशरम कहीं के। Do I look sexy? Good. In this box, there's another one like this. Give it to your wife from me, and she'll also look sexy. Thank you very much. Thank you. गौरी, गौरी, हा? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एक सेकंड इधर आओ। थोड़ी घूम जाओ ना। घूमो? हाँ। क्यों? अरे घूमो ना। ठीक है, घूम गई। ये क्या कर रहे हो? तुम जब भी मेरे करीब आते हो ना, मेरे कपड़े उतारने लगते हो। मैं दादी से शिकायत कर दूंगी। अरे लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। ये तो मुझे भी पता है तुम मेरे पति हो। तो पता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तू लापता के पति पे क्यों खड़ी हुई हो? ये क्या पति 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 लगा रखा है? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे करीब रहा करो। करीब आओ ना। लो आ गई, बोलो। और थोड़ा। आप बोलो। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। क्यों, तुम्हारी आंखों में कोई तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। और तुम ये तकलीफ बगैर तकलीफ के दूर कर सकती हो, और थोड़ी तकलीफ हो भी जाए ना तो भी कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा प्यार से देखो ना। ये प्यार है? प्यार से देखो, थोड़ा और पैसे देखो ना। देखती रहो,
यूं ही देखती रहे ना। अरे फिर वो हरकत काट लूंगी। अरे मैं तुम्हारे साथ जिंदगी काटने की सोच रहा हूँ और तुम मुझे काटोगी तो जिंदगी काटने लगेगी। अरे क्या चक्कर काट रही हो, ये कैसे काटती है, क्या खेल रही हो? काम करते हैं, चलो खेलते हैं। जिंदगी कोई खेल नहीं है। मैं उस खेल का जिक्र कर रहा हूँ जिस खेल की वजह से तुम दुनिया में आई, जिस खेल की वजह से मैं दुनिया में आया, जिस खेल की वजह से ये दुनिया चल रही है, जिस खेल की वजह से बड़े बड़े लोग दुनिया में आते हैं, आके खेलते हैं और खेल खेल के आते हैं। ये प्यार का खेल है, सब खेल रहे हैं, मेरे को भी खेलना है। तो फिर खेले। हो रहा है, हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही चल रहा है। सिट। वेरी गुड। मैं इसी खेल का तो जिक्र कर रहा था, तुम्हें मेरे साथ करीब से खेलने में प्रॉब्लम क्या है? जब भी तुम मेरे करीब आते हो मेरे कपड़े क्यों उतारते हो? अरे कपड़े तो मैं तुम्हारे इसलिए उतारता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ। पहन के देखो ना, बिल्कुल नॉर्मल लड़की लगोगी। और ओके तो ये तो बहुत सुंदर है। तुम पहनो ना। मैं कैसे पहनूंगा बे? पहनो ना मेरे लिए प्लीज। अच्छा वेरी गुड, तो मैं पहनूंगा तो मुझे देखकर वैसे तुम पहनोगी? हाँ पहनूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरे सामने कपड़े क्यों निकाल? इसमें हो क्या है? तुम्हारे कपड़े नहीं उतार सकता तो क्या खुद का कपड़े भी नहीं उतार सकता क्या? ठीक है ठीक है, निकालो, जब पहन लो तो मुझे बताना। हाँ उतार रहा हूँ। पहना पहना। आंखें खोलो। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। एक काम करते हैं, अब खेलते हैं। ए, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। ए, ए, व्हाट द? क्या हो गया? भांजी, तू भांजी ऐसे कैसे बन गए मुस्कुरा के? हैं? मुस्कुराने का मौका ही कहाँ मिला? जैसे ही मुस्कुरा के मुस्कुराने के लिए कहता हूँ, मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुस्कुराने का नया बहाना कर देती है। कैसी लड़की ले आए? अरे लड़की जैसी लड़की लाए, लेकिन तुम ये बताओ लड़के जैसे लड़के क्यों नहीं लग रहे हैं? लड़के जैसे लड़के क्यों नहीं लग रहे? जैसे ही लड़के की तरह लड़की को लड़की की तरह रहने के लिए कहता हूँ, लड़की लड़की की तरह तमीज से नहीं रहती, लड़ लड़कर लड़के को लड़की की तरह सामने कर देती है। ये कोई तरीका है? नो एक्सपेरिमेंट। माफ कर दे गुरु। माइंड ब्लोइंग। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मुस्कुरा के।